हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास इसी तरह से नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे और आप उस वीडियो से लाभ उठाते रहिए। ये वीडियो डेडिकेटेड है स्पेशली, या यूँ कहें कि ये वीडियो रिलेटेड है जो अवार्ड्स दिए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फील्ड्स, जिस फील्ड में कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है उसके लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और ये वीडियो स्पेशली फॉर द उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम और रिलेटेड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी हैं स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के, उन सभी के लिए आपके लिए वीडियो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आपने देखा भी होगा जो नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर, एक वैकेंसी और आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार की तरफ से, जिसमें जो वैकेंसी थी उसका जो एप्लीकेशन डेट था वो चेंज कर दिया गया है, और वो अप्लाई करने के लिए ऑप्शन भी दे दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और 18 तारीख से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है जो कि यूपी पुलिस से रिलेटेड है ये, और ये आवेदन आप कर सकते हैं। ये अग्निशमय विभाग है, फायर ब्रिगेड जो होते हैं पुलिसकर्मी, उनकी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप एक बार डिटेल आप देख लीजिएगा, जो आपको वेबसाइट फॉलो करनी है जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी रिलेटेड एप्लीकेशन के, और क्या नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लॉगिन कीजिए uppbpb.gov.in। इस वेबसाइट जाके आप अप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, और इसका लास्ट डेट जो है वो 9/2/2019 है, यानी 9 तारीख फरवरी महीना 2019। तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं कौन सी वैकेंसी आई है पूरी डिटेल के बारे में। और ये फायर ब्रिगेड से रिलेटेड वैकेंसी है और पुलिस की वैकेंसी है, 5000 अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसी है टोटल। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि चमेली देवी जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली देवी जो पुरस्कार दिया जाता है वे ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। जो व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करता है उस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये स्पेशली महिला को दिया जाता है, पुरुष को नहीं दिया जाता है। तो मैं जिन महिलाओं ने अच्छा काम किया है इन फील्ड ऑफ द जो जर्नलिज्म है उनको दिया जाता है ये चमेली देवी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया जाता है। जो व्यक्ति पूरा जीवन डेडिकेट करता है एक खेल के लिए, पर्टिकुलर खेल कोई भी हो सकता है, स्पोर्ट वैसे स्पेसिफाई नहीं है, उस व्यक्ति को दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद जी के बारे में आप जानते ही होंगे, तो उन्हीं से रिलेटेड ये पुरस्कार है और इसमें एक अच्छा सा अमाउंट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है खेल में, यानी स्पोर्ट में जो एथलीट्स या प्लेयर किसी भी क्षेत्र का हो या किसी भी खेल का हो उसे दिया जाता है राजीव गांधी पुरस्कार, यदि उसका योगदान अच्छा है इन टर्म्स ऑफ द स्पोर्ट्स। पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। जो व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार दिया जाता है साहित्य में। साहित्य में जो भी अच्छा योगदान देता है व्यक्ति उस व्यक्ति को दिया जाता है बिहारी पुरस्कार। गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए। जो मैथमेटिक्स होता है इसमें भी एक पुरस्कार दिया जाता है, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है और अच्छा योगदान देता है इन टर्म्स ऑफ द मैथमेटिक्स उस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है एबल पुरस्कार, ABEL। इकबाल सम्मान किस राज्य में दिया जाता है और किस काम के लिए दिया जाता है। इकबाल सम्मान जो दिया जाता है दोस्तों ये दिया जाता है उर्दू लैंग्वेज में, यानी उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में जो व्यक्ति अच्छा काम करता है या यूँ कहें कि जो उर्दू लिटरेचर है उसमें अच्छा जो योगदान देता है उसे दिया जाता है, और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्टर्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पुरस्कार जो दिया जाता है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। जो व्यक्ति आर्किटेक्ट है या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अच्छा काम करता है उस व्यक्ति को ये पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार, तानसेन आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, संगीत से रिलेटेड थे,
यानी संगीत उनका मेन मोटो था, मेन ध्येय था, इसलिए तानसेन पुरस्कार जो दिया जाता है वो संगीत के क्षेत्र में जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है, तानसेन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाता है? ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। कोई व्यक्ति जो साहित्य के क्षेत्र में अच्छा योगदान देता है, बहुत अच्छा काम करता है देश और समाज के लिए, उस व्यक्ति को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार किसे दिया जाता है? कलिंग या कलिंगा पुरस्कार दिया जाता है जो, ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि साइंस के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अच्छा डेवलपमेंट या कुछ नया करता है, लोगों से हटकर करता है, उस व्यक्ति को दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है कि गोपाल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल रत्न जो पुरस्कार दिया जाता है वो स्पेशली उस मालिक या ओनर को दिया जाता है या स्वामी को दिया जाता है जिसके पास अधिक दूध देने वाली गाय या भैंस हो। ये पुरस्कार स्पेशली फॉर उन्हीं के लिए बनाया गया था जो अच्छा काम करते हैं और अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं जानवरों का, दूध देने वाली गाय और दूध देने वाले भैंस। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और द्रोणाचार्य नाम से भी आप परिचित हैं, तो ये पुरस्कार दिया जाता है स्पोर्ट कोच को जो क्रिकेट या कोई भी अदर गेम ट्रेनिंग देता है कि कैसे खेला जा रहा है, उस व्यक्ति को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारत भारती सम्मान किसे दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में यानी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो अच्छा योगदान देता है उस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार देती है भारत भारती सम्मान पुरस्कार। भटनागर अवार्ड किसे दिया जाता है? भटनागर अवार्ड दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। यदि आप विज्ञान में रुचि रखते हैं और विज्ञान में कुछ अच्छा नया करते हैं उस व्यक्ति को भटनागर अवार्ड दिया जाता है। ललित कला पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? ललित कला जो पुरस्कार का क्षेत्र है वो है मूर्तिकला और चित्रकला, यानी कि मूर्तिकला में जो अच्छा काम करता है, अच्छी मूर्तियाँ बनाता है, और चित्रकला में जो इसकी अच्छी पेंटिंग है या चित्र अच्छा बनाता है व्यक्ति, उसे दिया जाता है ललित कला पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो धन्वंतरी पुरस्कार है ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है इन फील्ड्स ऑफ द मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में उसे दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। फीफी पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, फीफा होता तो आप समझ जाते, लेकिन फीफी पुरस्कार है, ये पुरस्कार दिया जाता है इत्र के क्षेत्र में। इत्र यानी जो सेंट या फ्रेगनेंस यूज करते हैं डिओडोरेंट, उसके लिए दिया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थान अच्छा काम करता है फ्रेगरेंस में उनके दिया जाता है इसको। ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में कोई व्यक्ति अच्छा का योगदान देता है, अच्छा काम करता है, जिस तरह से तानसेन अवार्ड दिया जाता है उसी तरह से ग्रेमी अवार्ड भी दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म एंड सिनेमा के क्षेत्रों में। फिल्म और सिनेमा के क्षेत्रों में जो अच्छा काम करता है उस व्यक्ति को दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। व्यास सम्मान किसे दिया जाता है? व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है साहित्य के क्षेत्र में उस व्यक्ति को दिया जाता है व्यास सम्मान। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और आप इस वीडियो से बेनिफिट उठाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।